हेलो एवरीवन माय नेम इज विजयश्री एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ प्रोटेक्शन प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था फॉल्ट बस प्रोटेक्शन के बारे में जो कि जो है एक आ, स्कीम है बस बार प्रोटेक्शन की उसका दूसरा टाइप था और पहला टाइप था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तो पिछले ट्यूटोरियल में बस बार प्रोटेक्शन का टॉपिक जो था खत्म हो चुका था तो आज के ट्यूटोरियल में हम जो देखने वाले हैं वो है ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन ओके ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें इस ट्यूटोरियल में देखना है तो वन बाय वन हम आ, सारी चीजें देखेंगे सबसे पहले हमें देखना है ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में जो कि बोला जाता है टाइम ग्रेडेड ओवर प्रोटेक्शन ओके okay, उसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन ओके सो लेट स्टार्ट इन द स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड क्या बोला है इस स्कीम में क्या है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है टाइम का वो इनकॉर्पोरेटेड होता है ओके okay? और इन अदर वर्ड्स द टाइम सेटिंग ऑफ रिले इज सो ग्रेडेड दैट इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड बाय ऑपरेटिंग द रिले नियर टू दल्ट लोकेशन अब इसका मतलब क्या हुआ जो टाइम सेटिंग होती है ओके okay? जो टाइम सेटिंग होती है रिले की वो इस तरीके से जो है ग्रेड की जाती है इज सो ग्रेडेड दैट इन फॉल्ट यानी कि जब सिचुएशन फॉल्टी होती है ओके okay, जब हमारी सिस्टम में फॉल्ट आता है इवेंट ऑफ फॉल्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट होता है सिस्टम का ओके okay, वो आइसोलेट होता है किस तरीके से बाय ऑपरेटिंग रिले नियरर टू डिफॉल्ट लोकेशन तो क्या होता है कि जब ये जो टाइम सेटिंग रिले होता है इस तरीके से ग्रेड किया जाता है कि जब सिस्टम में हमारी फॉल्ट आता है तब स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो पार्ट होता है सिस्टम का वो आइसोलेट हो जाता है किस तरीके से रिले का फॉल्ट लोकेशन के पास ऑपरेट होना ओके okay. उससे जो है ये हमारा टाइम सेटिंग रिले जो है इस तरीके से ग्रेड किया जाता है ओके सो दैट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉसिबल हो सके तो उसमें हम ओवर करंट प्रोटेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे रेडियल फीडर हम स्टडी करने वाले हैं रेडियल फीडर सिस्टम के बारे में ओके सो अ रेडियल सिस्टम इन विच पावर फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन रेडियल सिस्टम में क्या होता है पावर फ्लो इज ओनली इन वन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जो है पावर का यहाँ पे फ्लो होता है ओके इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल फ्रॉम जनरेटर और सप्लाई साइड टू लोड क्या बोला है फ्रॉम जनरेटर और सप्लाई साइड टू लोड ओके इस डायरेक्शन में जो है पावर का फ्लो होता है इन द टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन सिस्टम टाइम ऑफ ईच रिले इज के फिक्स क्या बोला है कि जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है ऑपरेशन का जो टाइम होता है ऑफ द ईच रिले हर एक रिले का जो ऑपरेशन का टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है ओके okay. वो फिक्स रखा जाता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग करंट एंड और वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑपरेटिंग करंट से ओके okay, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है मैग्नीट्यूड करंट के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट यानी कि जो टाइम होता है ऑपरेशन का हर एक रिले का वो फिक्स होता है मतलब जो ऑपरेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड है उस पर ये टाइम जो है डिपेंडेंट नहीं होता

तो ये जो स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम दिख रही है ये डायग्राम है हमारे रेडियल फीडर की ओके तो ये जो लास्ट पॉइंट हमने देखा क्या देखा रिले हैज एन ऑपरेटिंग टाइम पॉइंट फाइव सेकेंड्स ओके तो ये कौन से रिले की यहाँ पे बात हो रही है रिले डी की ओके तो द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले डी ज पॉइंट फाइव सेकेंड यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है तो ये जो है रिले डी हमारा इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है ठीक okay. so, तो uh, है थीके? तो उस पॉइंट uh, डी के बियोन्ड जो सेक्शन है अगर उस सेक्शन में किसी भी तरीके का फॉल्ट आता है सो द रिले एंड सर्किट ब्रेकर एट डी विल क्लियर दिन पॉइंट फाइव सेकेंड सो क्या बोला है जो रिले और हमारा ये सर्किट ब्रेकर क्या करेंगे फॉल्ट का क्लीयरेंस करेंगे ओके एट दिस टाइम एट पॉइंट फाइव सेकेंड मुझे मतलब इतने टाइम में जो है हमारा जो हमारा फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा ओके okay? इतने टाइम में जो हमारा फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर जो है इसको इतने टाइम में खत्म कर देगा इस फॉल्ट को देन सर्किट ब्रेकर एट डी विल क्लियर क्या होगा जो बाकी के रिलेज है वो इनऑपरेटिव रहेंगे यानी कि ऑपरेशन मोड में नहीं रहेंगे क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो पॉइंट फाइव सेकेंड से ज्यादा है यानी कि पॉइंट यानी कि जो डी रिले है रिले डी है उससे ज्यादा है इन सभी का जो है बाकी के रिले का टाइम ऑपरेटिंग टाइप ओके तो इस रीजन से बाकी के सारे जो है रिले रहेंगे वो इनऑपरेटिव रहेंगे एंड इन दिस वे ओनली सेक्शन बी सेक्शन बियॉन्ड डी सो दिस सिस्टम विल बी आइसोलेटेड ओके तो इस तरीके से जो है जो सेक्शन है हमारा डी ओके okay, वो सेक्शन ही जो है फॉल्ट क्लियर करेगा और यही जो रहेगा ऑपरेट करेगा और ये आइसोलेट हो जाएगा हमारी सिस्टम से जब तक जो है फॉल्ट क्लियर नहीं हो जाता फेल हो गया तो जो बाकी के रिलेज है ओके देन द रिले सी जो इसके पहले वाला यानी कि इससे ज्यादा जिसको ऑपरेटिंग टाइम है वो है सी ओके यानी कि पॉइंट फाइव सेकेंड से ज्यादा है वन सेकेंड तो पॉइंट सी जो है ऑपरेट होगा आफ्टर टाइम यानी कि पे जो है ये ऑपरेट नहीं हुआ ओके okay, ये फेल हो गया तो उसके बाद सेकेंड के बाद और एड होने के बाद जो है वन सेकेंड पे हमारा सी रिले जो है ऑपरेट होगा ओके आफ्टर वन सेकेंड फ्रॉम देंस ऑफ फॉल्ट सिमिलरलीफ द रिले एट सी फेल्स टू ऑपरेट अगर इसी भी तरीके से जो है हमारा सी भी अगर सपोज रिले सी भी अगर किसी भी तरीके से फेल होता है देन अगेन पॉइंट फाइव सेकेंड के डिले के बाद जो है हमारा बी रिले जो है ऑपरेट होगा क्यों पॉइंट फाइव सेकेंड के डिले के बाद क्योंकि जो वन सेकेंड है वन सेकेंड के बाद इसमें बढ़ रहा है ठीक है वन सेकेंड में अगर हम पॉइंट फाइव को एड यानी कि हमारे बी रिले का ऑपरेटिंग टाइम कितना है है तो पे ये जो ऑपरेट नहीं हो रहा तो उसके और के बाद टोटल वन पॉइंट फाइव सेकेंड के बाद जो है हमारा पॉइंट डी रिले जो है ऑपरेट होगा ओके आफ्टर वन पॉइंट फाइव सेकेंड फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट ओके ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट यानी कि ये जो है टोटल ऑपरेटिंग टाइम है हमारे बी का यानी कि फॉल्ट कहाँ पे आकर हुआ पॉइंट फाइव पे हमारा डी भी ऑपरेट नहीं हुआ फिर वन सेकंड पे सी भी ऑपरेट नहीं हुआ फिर वन पॉइंट फाइव पे कौन, कौन सा ऑपरेट होगा बी ऑपरेट होगा इन दिस वे द प्रीवियस रिलेज विल प्रोवाइड बैकअप प्रोटेक्शन टू नेक्स्ट वन यानी कि इस तरीके से जो है पहले के जो रिले है ठीक है ये हमारा नेक्स्ट रिले सपोज ये नेक्स्ट है तो इसका प्रीवियस कौन सा हुआ बी तो इस तरीके से जो है ये प्रीवियस रिले जो है बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हमारे नेक्स्ट रिले को रेडियम सिस्टम हैज अ मेजर ड्रॉबैक दैट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कैनट बी एट रिसीविंग एंड क्या बोला है कि ये जो डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का जो है यहाँ पे बताया गया है कि कंटिन्यूटी जो है हमारे सप्लाई की वो मेंटेन नहीं हो पाती है ओके कैन नॉट बी मेंटेन्ड रिसीविंग एंड रिसीविंग एंड पे जो है सप्लाई की कंटिन्यूटी जो है मेंटेन नहीं हो पाती इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट फॉल्ट के कंडीशन में जो है सप्लाई की कंटिन्यूटी रिसीविंग एंड पे जो है मेंटेन नहीं हो पाती ओके इन फॉल्ट कंडीशन यहाँ पे लिख लीजिए देन रेडियल सिस्टम इज यूजर दिज डिटिन्यूटी ऑफ सप्लाई डॉट मैटर मच तो ऐसी सिस्टम जिस जगह पे है जो होती है सप्लाई की वो ज्यादा मैटर नहीं करती तो उस जगह पे हम क्या करते हैं रेडियल सिस्टम को यूज करना प्रेफर करते हैं नहीं तो हमें पता है कि इसका डिसएडवांटेज है कि ये सप्लाई कंटिन्यू नहीं रख पाता तो जिस जगह पे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई की नीड है उस जगह पे हम इस रिले को जो है प्रीफर नहीं करते ओके okay. तो इस तरीके से जो है हमने हमारा रेडियल uh, सिस्टम यहाँ पे देख लिया तो रेडियल सिस्टम के बाद और दो जो है तरीके है दैट इज पैरेलल फीडर। ओके एंड द सी इज रिंग मेन सिस्टम तो इसके बारे में अगर आपको स्टडी करना है आप गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं या फिर आपको बुक्स पे मिल जाएंगी ये बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही हमारे रेडियल जो है फीडर से ओके तो इस तरीके से रेडियल सिस्टम से और रिंगमेन सिस्टम से बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है किस तरीके से ये ओवर करंट का प्रोटेक्शन करना करता है ये हमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है ओके तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन को देख लिया ओके okay, तो इसके बाद जो है हमें हमारा दूसरा पॉइंट देखना है दैट इज डिस्टेंस प्रोटेक्शन और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में <laughs>